हेलो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट। 27 जनवरी 2019 शाम की शिफ्ट में जो पेपर हुआ उसकी ऑलरेडी आपको मैथमेटिक्स के, जनरल स्टडीज के और हिंदी के सॉल्यूशंस आपको उपलब्ध करा दिए। बस मेंटल एप्टीट्यूड का जो सेक्शन है, जनरल इंटेलिजेंस आईक्यू का सेक्शन जो कि मैं स्वयं टैकल करता हूँ आपका, उसके सॉल्यूशंस चलिए देखते हैं। पेपर बिल्कुल एक कह सकते हैं ना, जिसको कहते हैं मिरर इमेज है, जो कि अभी मॉर्निंग की शिफ्ट में पेपर हुआ। तो इस वजह से मेरी सलाह आपको बच्चों को जो कल पेपर देने जा रहे हैं 28 तारीख को सुबह और शाम वाले, उन लोगों को है कि आप अच्छे से इन पेपर्स को और इनके हल को देख लें। कुछ सवाल आपका लीक से हट के आए हैं, जैसे कि जो मेंटल एबिलिटी और जनरल इंटेलिजेंस के सेक्शन में, रीजनिंग के सेक्शन में डेटा सफिशिएंसी के सवाल हैं। तो 3 सवाल डेटा सफिशिएंसी के सुबह की शिफ्ट में भी थे, 3 सवाल अभी शाम की शिफ्ट में भी डेटा सफिशिएंसी के हैं। तो इन सवालों को आप स्पेशली देख लीजिएगा। बाकी कथन एवं तर्क, कथन एवं पूर्वानुमान, कथन एवं निष्कर्ष, इसके लिए मैंने आपका 26 जनवरी को एक क्लास चलाई हुई थी, लाइव क्लास। वो आपके लिए बड़ा ही फ्रूटफुल रहेगी। अगर आपने नहीं देखी हुई तो आप उसको प्लीज 1 घंटे देख डालिएगा। सिर्फ क्लास देखने से ही आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, आपको निस्संदेह एग्जाम में कल कम से कम 7-8 नंबर का फायदा होगा। पहला सवाल ये दिया हुआ है, एक कथन है, 58 नंबर से शुरू हो रहा है आपका मेंटल एबिलिटी का सेक्शन। मैं अवनीश वाजपेयी आपका स्वागत करता हूं। अगर आपने मेरा चैनल प्लीज सब्सक्राइब नहीं किया तो कम से कम लाल बटन दबा दो और बेल आइकन भी दबा दो, जिससे भविष्य में आपको जो भी एग्जाम्स या जो भी हम वीडियोस बनाते हैं उनकी खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे। ये सवाल है, इसमें कथन दिया हुआ है, इसको हर हालत में सत्य मानना है। क्या राज्य द्वारा संचालित लॉटरी को बंद करना चाहिए? अब तर्क है नहीं, ये विपक्ष में तर्क है, सरकार को राजस्व प्राप्त नहीं होगा। सिर्फ राजस्व की चिंता करते रहें, अगर हम राजस्व की चिंता के आधार पर ये कहें कि नहीं इनको बंद नहीं करना चाहिए, कोई चीज अगर नुकसानदेह है तो इसको सिर्फ इस वजह से नहीं कि इससे रोजगार नहीं मिलेगा, रोजगार छिन जाएगा या इससे राजस्व कम हो जाएगा, नहीं। अगर कोई चीज नुकसानदेह है, अगर कोई चीज हमारे सामाजिक आर्थिक ताने बाने पर खरी नहीं उतर रही है तो उस चीज को बंद किया जाना चाहिए, भले आपका उसके कोई आर्थिक कॉन्सिक्वेंसेस क्यों ना पड़ रहे हो। तो पहला तर्क आपका कमजोर है। हाँ, सरकार को जुए को बढ़ावा, ये इसका सामाजिक और नैतिक पहलू है कि अभी लॉटरी पर प्रतिबंध की बात क्यों हो रही, क्योंकि सरकार को जुए को बढ़ावा नहीं देना चाहिए। दूसरा तर्क यहां पर मजबूत है, दूसरा तर्क मजबूत है, तो इसका जवाब कर लीजिए क्या, बी। आते हैं 59, इसमें कथन दिया हुआ है, एक्स द्वारा लिखी गई सभी पुस्तकें, ध्यान दीजिएगा पाठ्य पुस्तकें हैं, एक्स ने जो भी किताबें लिखी पाठ्य पुस्तकें, उनकी कुछ पुस्तकें एबीसी पब्लिशिंग कंपनी ने प्रकाशित, कुछ पुस्तकें एबीसी ने की यानी कुछ पुस्तकें आपका कोई दूसरी पब्लिशिंग कंपनी ने प्रकाशित की होगी। अब यहां बात करते हैं एबीसी प्रकाशन कंपनी केवल पाठ्य पुस्तकों के, यहां केवल लग गया, एबीसी के बारे में हमें कोई नहीं पता, पहला निष्कर्ष सत्य नहीं हो सकता। दूसरा, एक्स द्वारा लिखी गई कुछ पाठ्य पुस्तकों को एबीसी पब्लिशिंग कंपनी के अलावा अन्य प्रकाशकों द्वारा प्रकाशित, अन्य ने किया, ऊपर दिए कुछ को अपना एबीसी ने किया तो इसका अर्थ है कुछ को दूसरे ने किया, दूसरा निष्कर्ष सत्य। तीसरा, एबीसी पब्लिशिंग कंपनी एक्स द्वारा लिखे गए कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांतों को प्रकाशित करती, ऊपर बताया गया पाठ्य पुस्तक के एक्स लिखते हैं और यहां महत्वपूर्ण सिद्धांतों को प्रकाशित करती, कौन से उनकी थ्योरीज को प्रकाशित किया इसके बारे में कोई हमें पता नहीं, तो तीसरा निष्कर्ष भी यहां पर सही नहीं होगा, सिर्फ दूसरा निष्कर्ष सही, हमें आंसर कौन मिल रहा है, बी। अगला आते हैं 60 नंबर सवाल, इनमें से कौन सा शब्द ऐसा है जो कि, थोड़ा सा स्क्रीन साइज बढ़ा लिया जाए, कौन सा ऐसा निष्कर्ष है, कौन सा ऐसा शब्द जो अंग्रेजी वर्णमाला क्रमानुसार मतलब ए टू जेड के ऑर्डर में, ये देखो बी ई ई एफ वाई लिखा हुआ है ना, बी दूसरा अक्षर, ई पांचवा, एफ छठा और वाई 25वां, यही वर्णमाला क्रम के अनुसार है। ये शब्द या नाइटेंगल, इसके अक्षरों के आधार पर कौन सा शब्द बनाया नहीं जा सकता है, ठीक है। अब देखते हैं कौन सा बनाया नहीं जा सकता है, इन्होंने ईगल लगा रखा, चेक करते हैं भाई, ई दिया हुआ है, ए दिया हुआ है, जी दिया हुआ है, एल दिया हुआ है, ई दोबारा जरूरत पड़ेगा और ई दोबारा यहां पर आपको, यहां पर 2 ई हैं, यहां पर 1 ही ई है, इसका मतलब ये हुआ ईगल बनाया नहीं जा सकता। लेकिन एक और चेक कर लीजिए, बाकी के बारे में देख लीजिए, ऐसे सवालों में जरा और कॉशन, एंगल, एंजल, ए एन जी एल ई ये बन जाएगा, लाइट एल आई जी एस टी ये भी बड़े आराम से यहां पर बन जाएगा भाई, आई भी है जी भी है ना, एल आई जी एस टी है, और थिंक टी एच आई एन जी ये भी बड़े आराम से बन रहा है, यानी ईगल ही यहां पर नहीं बनेगा। अब दर्जन 12 को कहते हैं, बड़े आराम से आपको पता होना चाहिए, स्कोर किसको कहते हैं, स्कोर कहते हैं 20 को, एक दर्जन का मतलब 12 और एक स्कोर का मतलब 20। यहां पर
जोड़ियां दी हैं, प्रश्न में दी गई जोड़ी के साथ मेल करने वाली सबसे अच्छी जोड़ी, यानी एनोलॉजी के सवाल है, ठेकेदार क्या बनाता है? ठेकेदार बनाता है इमारत। तो गाय अस्तबल होगा नहीं, वकील किताबे कुमार, सबसे सही जवाब क्या है? मोची क्या बनाएगा? जूता बनाएगा। यहाँ पर ए बी का जो संबंध डी एच से है वही बताना है, डी का किससे होगा? तो भाई देखो, ए पहले पर आता है, डी चार पर आता है, तीन बढ़ाना। अगर हम यहां तीन बढ़ा के देखते हैं तो डी चार पर आता है, और उसके बाद चार बढ़ाओगे तो चार चार आठ, आठ नंबर पर रह जाता है, यहां कहीं कुछ नहीं मिलने वाला है ना। तो दूसरा तरीका और क्या यहां पर अप्लाई कर सकते हैं, ए एक पर आता है, एक से क्या हो रहा है? डी चार। भाई एक से चार कितने गुना हो रहा है? चार गुना। और बी दो पर आता है और एच आठ पर, दो से आठ भी कितने गुना हो रहा है? चार गुना हो रहा है। तो जरा अब यहां पर यही कॉन्सेप्ट लगाइए, डी चार पर आता है ना, और ई कहां पर आता है? पांच पर। चार का चार गुना करिए कितना हो गया? सोलह। और पांच का चार गुना करिए बीस। सोलह पर आता है कौन? पी। और टी फॉर होता है क्या? ट्वेंटी। तो जवाब आपका कौन निकल आया? पी टी। अगला सवाल देखते हैं, इसमें बताना है कि उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित जैसा पहला दूसरे से ना, दूसरा पद पहले से। ये मैजिक, एम से एन तुरंत बात का अक्षर आया, ए से सी एक छोड़ के आया, जी से जे तीन छोड़, जी सात पर आता है और जे कहां पर आता है? एम कहां, जे कहां आता है? दस पर। आई नो एम तेरह, सी तीन पर, यानी क्या हो रहा है? पहले हुआ है प्लस वन, फिर हो रहा है प्लस टू, उसी तरीके से आपका आगे हो रहा है प्लस थ्री, प्लस फोर, प्लस फाइव। अगर सेम कॉन्सेप्ट लगाओगे तो आखिरी अक्षर आपका पांच बढ़ रहा, एच आठ पर आता है, आठ में पांच जोड़ोगे तेरह, लास्ट में एम आना चाहिए, और शुरुआत में देखते हैं क्या आना चाहिए। ये डब्ल्यू में एक जोड़ोगे एक्स हो जाएगा, आई में दो जोड़ोगे के हो जाएगा, टी टी में आपका कितना जुड़ेगा? प्लस तीन करेंगे, जब प्लस तीन करोगे टी में तो तेईस, तेईस का मतलब डब्ल्यू आना चाहिए, जवाब हो जाएगा हमारा पहला। 11, 3, 14, 5, 19, 7, 26, 9, 35, प्लस 3, प्लस 5, प्लस 7, इस तरीके से सीरीज आगे बढ़ती जा रही ना, लास्ट में आपका कितना जोड़ेंगे? 11, 11 जोड़ने पर कितना हो जाएगा? 46। आते हैं 67 नंबर, अगेन आपका देखो बिल्कुल सेम सवाल आपका पूछा गया था पिछले सुबह वाली शिफ्ट में, वहां एक्स प्लस वाई पूछा गया था या एक्स वाई माइनस एक्स पूछा गया, पहले एक्स और वाई निकालो। 10, 20, ये है 10, 10 से 30 ऐसे देखिए तीन गुना है, 50 से 150 कितने गुना हुआ? 50 से 150 भी तीन गुना हुआ। अगर 20 से देखें तो ऐसे 20 से हमें क्या मिलना चाहिए? 20 से मिलना चाहिए 60। तो हमें x का मान पता चल गया कि x कितना आ जाएगा, x आ जाएगा 60। अब भाई y का मान कैसे निकाला जाए? तो y का मान निकालने के लिए यहां पर कौन सी नंबर आ रही है ना, तो इस तरीके को सवालों को अब यहाँ पर वाई का कैसे रखा जाए इस चीज को समझते हैं भाई ना। देखो ये 30 से 20 हो गया ना, 10 कम हो गया, यहाँ हमने 60 निकाला, 60 से कितना हो गया आपका? 50 हो गया। अगर ये 150 है तो यहाँ पर आपका कितना होना जाना चाहिए? 140। तो हमें ये पता चल गया कि वाई का मान कितना आ गया? 140, 140 और वाई का मान 140, एक्स का मान है 60, 140 माइनस 60 जवाब कितना निकल आया? 80। इनमें बताना है आपका वो जोड़ी ज्ञात की जो इस पैटर्न में सबसे सेट बैठती है। इधर देख लो, 15, 2, 17, 2, 19, 2, 21, 2 कितना निकलेगा? 23, 23 दो ऑप्शन में। आगे चेक करते हैं, 28 से 3 कम हुआ, 25 से 3 कम हुआ, 22 से 3 कम हुआ, 19, 19 से 3 कम होगा 16। अगला इसमें देखते हैं कि क्या हो रहा है, डी सी ए एक्स टी कुछ घटता हुआ नजर आ रहा है ना, डी से सी एक घटा, सी से ए दो घटा ना, तीन से एक हो गया दो घटा, ए से एक्स कितना हुआ? ए से अगर एक्स की बात करें तो ए पहला अक्षर है और एक्स कहां पर आता है? 24वें नंबर पर आता है। तो भैया एक से 24 कैसे मिल रहा है? एक से 24 की बात हो रही है, तीन घट रहा है कैसे? एक से जब तीन घटाओगे तो आपका कितना आएगा? माइनस टू। ऐसा कोई अक्षर होता नहीं, माइनस टू में 26 जोड़ेंगे तो माइनस टू प्लस 26 बराबर 24, और 24वां अक्षर वर्णमाला में आपको पता कौन सा होता है? एक्स। तो पहले इस केस में माइनस वन हुआ, फिर माइनस टू हो रहा है, फिर माइनस थ्री हो रहा है, एक्स 24 पर आता है, टी फॉर 20 20 पर, चार कम हुआ। तो बिल्कुल सेम पैटर्न पर देखते हैं कौन सा यहां पर है। ओ 15 पर है, एन 14, एक कम हुआ, दो कम हुआ, एल 12, जे 10, नहीं ये जवाब नहीं हो सकता है। और देखते हैं ऐसा कौन सा है, एस 19 है, ये भी नहीं होगा, एच ये वाला देखते हैं, ये भी नहीं होना चाहिए, लास्ट वन ये वाला देखते हैं, W 23 पर है, V 22, एक कम हुआ, 22 से 20 दो कम हुआ, 20 से 17 तीन कम हुआ, 17 से 13 यानी चार कम हो गया, जवाब इसका क्या होगा? D। इसमें बताना है आपका कि कौन सा यहां पर क्वेश्चन मार्क की जगह पर आना चाहिए।
तो भाई देख लेते हैं सबसे पहले फटाफट जो है कुछ यहाँ पर आपको दे रखा हुआ है B1 BDFH3J नंबर देखो कहाँ आ रहा पहले शुरुआत में फिर दूसरे नंबर फिर तीसरे आखिरी में जाएगा नंबर तो 1 3 5 जवाब आपका 7 होना चाहिए नंबर के रूप में जवाब इनमें से ढूंढ लीजिए शुरू होगा एस के साथ या टी के साथ इस चीज को सबसे पहले देखते हैं 2 4 6 BDF यानी 2 4 6 ये 8 10 12 ये 14 16 18 यानी 20 22 24 जवाब हो जाएगा TBX समझ में आया ना ये 2 4 6 ये आपका 8 10 12 ये है 14 16 18 आगे कितना हो जाएगा 20 22 24 जवाब ही मिला इसको कौन पूरा करेगा STRU STRU तो भाई देखें ऐसा ले लो इसको S से R एक कम हुआ और T से U एक जुड़ा समझ में आई बात S से R एक कम हुआ और T से U एक जुड़ा ये वाले अल्टरनेट लीजिए एक बढ़ रहा है और एक कम हो रहा है S से R एक कम हुआ तो R से अब की बार जब एक कम करोगे तो आपको R से एक कम करने पर क्या मिलेगा यहां पर Q मिलेगा और ये अगले U से एक बढ़ के मिलेगा हमें क्या V जवाब हो जाएगा QV अपने घर से एक्स उत्तर दिशा में गया 15 किलोमीटर चला तो भाई एक्स ने यहां से मान लिया शुरू कर लिया एक्स 15 किलोमीटर चला गया उसके बाद वह पूर्व की ओर मुड़ गया तो ये लोग पूर्व की ओर मुड़ गया 10 किलोमीटर चला गया ये इसका 10 किलोमीटर हो गया इसके बाद फिर वो दक्षिण की ओर मुड़ गया और 5 किलोमीटर आया ये दक्षिण की ओर आ जाएगा कितना 5 किलोमीटर अंत में पश्चिम की ओर मुड़ता हुआ कितना गया अब देखिए शुरुआत में ये कितना था यहां पर ये था हमारा 15 ये कितना है हमारा 10 ये है कितना 5 अब पश्चिम पश्चिम यानी इस तरफ मुड़ा और 10 गया यानी ये यहां पर आ गया वापस अब इस पॉइंट पर ये आ चुका है आपसे पूछा वो अपने घर के संदर्भ में किस दिशा में घर से देखिए आपका वो ऊपर की तरफ आए ना वर्तमान में तो आपका जवाब हो जाएगा ऊपर यानी उत्तर की ओर 4 किलोमीटर चलने के बाद एक्स दाहिनी ओर मुड़ गया 4 किलोमीटर चलने के बाद एक्स दाहिनी ओर मुड़ गया मान लिया एक्स ने यहां से चलना शुरू किया 4 किलोमीटर ये चला 4 किलोमीटर चलने के बाद दाहिनी ओर मुड़ गया 3 चला तो पहले 4 और ये हो गया 3 उसके बाद वह बाई ओर मुड़ा और 5 चला तो बाई ओर का मतलब आपका ये गया 5 चल के फिर आपका कह रहा है अंत में वह उत्तर की ओर बढ़ रहा था अच्छा यहां पर आपका सवाल में शुरुआत की दिशा बतानी कि उसने किस दिशा से आते देखो हमने आपका जो डायग्राम बनाया उससे ही मैं निकल आया 4 किलोमीटर चलने के बाद एक्स दाहिनी ओर मुड़ा ये देखिए 4 किलोमीटर चलने के बाद एक्स दाहिनी ओर मुड़ गया दाहिनी ओर मुड़ने के बाद कह रहा है वो बाईं ओर मुड़ा और 5 किलोमीटर आगे चला वो 5 किलोमीटर आया अंत में वह उत्तर की ओर बढ़ रहा देखिए आखिरी में उत्तरी की ओर जा रहा है ना तो उसने कौन दिशा से यात्रा शुरू की आप देख रहे हो उत्तरी की ओर उसने यात्रा शुरू की तो इसका सही जवाब क्या होगा उत्तर आते हैं 4th नंबर ए घर से निकल के 10 किलोमीटर उत्तर की ओर गया फिर दाहिने मुड़कर 5 किलोमीटर गया तो भाई एक्स को घर से निकालते हैं 10 किलोमीटर ये चल लिए उत्तर की ओर इसके बाद 10 किलोमीटर उत्तर की ओर गए फिर दाहिने मुड़ के 5 किलोमीटर तो ये 10 हो गया दाहिने मुड़ के 5 ये हो गया 5 इसके बाद आपका हम बात कर रहे हैं इन्होंने बोला हुआ कि दाहिने मुड़ के 10 तो जब दाहिने मुड़ेगा तो वापस नीचे आ जाएगा यहां पर 10 उसके बाद वो बाएं मुड़ गया 10 गया तो बाएं का मतलब ये यहां पर आएगा इस तरीके से 10 उसके बाद आपका आएगा क्या उसके बाद आएगा हमारा कि सीधा घर पहुंचने के लिए उस किस दिशा में कितना आप देखिए यहां पर है ये दूरी है 5 ये दूरी है 10 तो ये 5 और ये 10 अगर घर वापस आना है तो उसको इस तरफ चलना पड़ेगा ऐसे यानी 15 चलना पड़ेगा और किधर चलना पड़ेगा पश्चिम की तरफ आगे देखिए रात के 9 बजे घंटे का कांटा उत्तर की ओर होता है अच्छा भाई रात के 9 बजे देखिए आपका घड़ी में आपका ये 9 बजा हुआ है ना रात में 9 और 9 बजे ये जो बताया जा रहा है रात में 9 बजे घंटे का कांटा उत्तर ये उत्तर बता रहे हैं अगर ये उत्तर हो गया तो ये फिर क्या हो जाएगा इसका उल्टा दक्षिण और यहां पर क्या आ जाएगा पूर्व आ जाएगा और यहां पर क्या आ जाएगा यहां पर आ जाएगा पश्चिम कह रहा सुबह के 6:30 बजे मिनट का कांटा 6:30 बजे जब 6:30 बजे बजेगा तो मिनट की सुई यहां पर होगी ना और 6:30 बजे मिनट का कांटा किस दिशा में होगा तो नीचे देखिए नीचे की तरफ दिशा कौन आ चुकी है पश्चिम तो जवाब हो जाएगा पश्चिम फिर से आपको कथन दिया हुआ है गुणवत्ता का मूल्य होता है गुणवत्ता का मूल्य होता है भाई और भारत शिक्षा के लिए बहुत सारी निधि आवंटित कर रहा है क्वालिटी है या प्राइस टैग ओके इंडिया इज अलोकेटिंग लॉट्स ऑफ फंड टू द एजुकेशन भारत यानी आपका शिक्षा की गुणवत्ता को सुधारने के लिए बहुत ढेर सारा फंड क्या कर रहा है आवंटित कर रहा है तो भारत में शिक्षा की गुणवत्ता जल्द ही सुधर जाएगी
और अकेले वित्त पोषण शिक्षा की गुणवत्ता वृद्धि कर सकता है। यहां आ गया अकेले, फंडिंग एलोन। जब भी कभी ऐसे शब्द आते हैं तो ऐसे निष्कर्ष सत्य नहीं हो सकते। भारत में शिक्षा की गुणवत्ता जल्द ही सुधर जाएगी। गुणवत्ता का मूल्य होता है, भारत शिक्षा के लिए बहुत सारी निधि आवंटित कर रहा है, इसका अर्थ यही हुआ। हम क्या लगा सकते हैं, हम ये इस अनुमान के ऊपर ये फैक्ट स्थापित कर सकते हैं कि हम गुणवत्ता में सुधार की कोशिश कर रहे हैं और सुधार की कोशिश करने पर आगे गुणवत्ता सुधरनी चाहिए। तो भारत में शिक्षा की गुणवत्ता जल्द ही सुधर जाएगी। अब यहाँ पर एक समस्या है कि जल्द ही सुधर जाएगी, भारत में शिक्षा की गुणवत्ता सुधरेगी, जल्दी सुधरेगी, है ना, कब सुधरेगी, टाइम लगेगा, इसके बारे में बहुत ज्यादा हम आपका पूर्वानुमान नहीं कर सकते हैं। इस वजह से यह भी निष्कर्ष आपका सत्य नहीं होना चाहिए मेरे अनुसार, और इसका अर्थ ये होना चाहिए, इस पर दोनों ही निष्कर्ष क्या होने चाहिए, दोनों ही निष्कर्ष अनुसरण नहीं करते, ना तो पहला और ना ही दूसरा। आगे आते हैं, हमारे पास ये मेंटल एप्टीट्यूड, आईक्यू और रीजनिंग सेक्शन आ चुका है। इसमें आपको पाई चार्ट दिखाया जा रहा है, किसी व्यवसाय में चार भागीदार हैं, इनके निवेश को दिखाया जा रहा है, इनके कार्य के घंटे भी दिखाए जा रहे हैं। व्यवसाय के लिए इस कारोबार में 24 लाख रुपए का लाभ हुआ, इस लाभ का आधा हिस्सा निवेशकों के अनुपात में चार भागीदारों के बीच में वितरित किया जाना, बाकी आधा काम किए गए घंटों के अनुपात में। तो बताना है आपका डी को कितना प्राप्त होगा। चलिए देखते हैं सवाल के ऊपर। देखिए इसमें आपका लाभ हो रहा है 24 लाख रुपए का, और आधा हमें बांटना है उनके जो उन्होंने इन्वेस्ट किया उसके आधार पर, आधा उनके काम के घंटों के आधार पर। तो भाई ये दो हमारे पास आपका यहाँ पर चार्ट दिए हुए, ये उनका इन्वेस्टमेंट का आधार है, इन्वेस्टमेंट में डी कितना इन्वेस्ट कर रहा है, डी का इन्वेस्टमेंट 20% है, तो 12 लाख का 20% निकालोगे कितना आ जाएगा, 2.4 यानी 2,40,000। और यहाँ पर दूसरे चार्ट के हिसाब से, वर्किंग के हिसाब से डी का यहाँ पर कितना है, 17। जब 12 का आप 17% निकालोगे तो 12 का जो 17% निकल के आएगा वो कितना निकल के आएगा, 2.04। 2.4 और 2.04 को जोड़ लेंगे आपका निकल आएगा कितना, 4.44। कौन सा शब्द अन्य शब्दों से अलग है, पेंसिल पेन पेपर, ये सारे आपका पेंसिल पेन पेपर, ये सारे आपका पेंसिल भी लिखने के काम आएगा, पेन भी लिखने के काम आता है, क्रेयॉन्स ना कलर्स होते हैं, कलरिंग के काम आते हैं, सबको आपका लिख किसके ऊपर सकते हो ना, पेपर के ऊपर। तो इस पे अलग कौन आपका जाना चाहिए, इसमें अलग जाएगा पेपर। इसमें बताना है आपका कि कौन सा विषम है, तो देखते हैं आपका कौन सा विषम है। अगर हम वर्णमाला के अक्षरों के आधार बात करें, देखो आपका ई सी ए -2 होता जा रहा है ना, 5-3-1, यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर हो रहा 22-20-18, यहाँ हो रहा 17-15-13, लेकिन यहाँ देखें जी आई के यहाँ पर बजाय आपका घटने के क्या हो रहा, बढ़ रहा है, इसका मतलब बेमेल कौन सा है, इसी। इसमें बताना है कौन सी आकृति बाकी से अलग है, तो भाई आप यहाँ पर आप गिन लो कितने क्या सर्किल है ना, इसमें आपके सर्किलों की संख्या 3-3-6-2-8 है, इसमें भी 8 है, इसमें भी आपका 3-3-6-2-8 है, यहाँ पर 3-3-6-3-9 हो गए सर्किल, इसका मतलब बेमेल सी हो रहा। ऐसा सवाल बिल्कुल सेम था ना आपको, पहले वाले पाली में मिला हुआ था, सुबह वाली पाली में बिल्कुल सेम क्वेश्चन था। यहाँ पर कोई एक ऐसी फिगर होगी जिसमें आपका अक्षर मिसिंग होगा, है ना, जैसे यहाँ पर वी एम क्यू है, तो इसमें देखते हैं वी एम और क्यू यहाँ नहीं है ना। अच्छा इनमें देखते हैं इनकी समानता क्या है, वी एम ओ है, इसमें भी आपका वी एम ओ है, इसमें भी आपका वी एम ओ मिल रहा है, इसमें क्यू दे रखा, क्यू आपको कहीं पर नजर आ रहा है, क्यू इसमें कहीं पर भी, क्यू इनमें कहीं भी, यानी इन तीनों फिगर्स में बी सी डी में एक जैसे अक्षर होने चाहिए ना। जैसे यहाँ ओ एफ है, यहाँ पर भी देखिए आपको F मिल रहा है, यहाँ पर भी F मिलेगा, लेकिन एक ही ऐसी फिगर है यहाँ पर Q आपको मिल रहा है, क्यू और कहीं पर इनमें फिगर्स में नहीं, इस वजह से बेमेल कौन करिए एक हो। उस विकल्प को चुनना है, नींबू कैसा होता है भाई, खट्टा होता है ना, नींबू का नेचर कैसा है, टेस्ट में खट्टा है। अब आइसक्रीम कैसी होगी, तो आइसक्रीम का बट नेचुरल है, टेस्ट कैसा होता है, मीठा होता है। नेक्स्ट आता है कि 3125 और इसका मतलब जो संबंध है दूसरी संख्या से, जो पहली संख्या का संबंध है वही बताना है आपका कि किसका आएगा। तो जरा ये 3125 से ये 0.00032 आ रहा ना, अब इस चीज को जरा देखते हैं ये कैसे आ रहा है। इस सवाल में अगर आप
अगर आप देख रहे हैं तो ये 3125 दिया हुआ है, इस 3125 का बताना है आपका। देखो ऑप्शन में आपका सारा यहाँ पर 3125 3125 ही नजर आ रहा, और ये यहाँ 3232 ही है। अब आपको इन दोनों में संबंध समझ लेना चाहिए। अगर आप इस 32 को 1 लाख से भाग दे दो, मतलब एक के आगे अगर आप 5 जीरो लगा लीजिए, तो एक के आगे 5 जीरो लगा लीजिए और भाग दे दीजिए, तो आपको ये मिल जाएगा कितना, आपका 0.00032। अगर सेम इसी तरीके से आप इसको देखेंगे, आपको अगर डिवाइड करेंगे अगर 1 लाख से, तो 1 लाख से डिवाइड करने पर आपको जवाब इसका मिलना चाहिए कौन सा, सी। तो इस सवाल में आपका ये कि भाई इससे इसको 1 लाख से भाग देते तो ये मिल रहा है, इसको 1 लाख से भाग देंगे तो आपको ये सी ऑप्शन मिलना चाहिए। अब इसमें बताना है आपका कि ये जो आकृति है ना, बिल्कुल सेम सवाल देखिए आपका सुबह की शिफ्ट में था कि कौन सी प्रश्न आकृति में निहित है। तो क्या पहली वाले में निहित है, देखते हैं एक बार, वर्कआउट करते हैं। आप देखिए ये सीधी लाइन हमें यहाँ पर आपको चलिए ये सीधी लाइन मिल गई हमें नीचे की। इसके बाद इसको यहाँ से ले लेते हैं, ये सीधी लाइन ले लीजिए, ये यहाँ पर आपका आ गए। इसके बाद हम लोग इस तरीके से बढ़ गए, इसके बाद हमारे पास ये बढ़ने का हो गया, और ये बढ़ने के बाद आपका देखो ये बढ़ गया ना ऊपर की तरफ। देखिए आपका वही जो ऊपर फिगर दे रखा हुआ वही फिगर आपका यहाँ पर मिल जा रहा है। तो जवाब इसका हम क्या कर सकते हैं, 84 का ए कर सकते हैं। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। तो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा मेरे पास जो शीट है वो पलट के आ रहा है, मैं एक बार चेक करता हूँ दूसरी शीट से।